मऊ जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में ODF ओलंपिक की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। ODF ओलंपिक में ब्लॉक स्तर खेलों का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैदान का चयन कर लिया गया है। मिशन के अंतर्गत हमारे जनपद में जो 2012 का बेसलाइन सर्वे था, उसके अनुसार हम लोगों ने शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। लेकिन ODF की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम लोगों को, आम जनता को, युवाओं को, युवतियों को, विद्यार्थी हैं उनको, बच्चों को इस मुहिम के अंतर्गत जोड़ें, और इस जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग अपने जनपद में एक व्यापक खेल कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम ODF ओलंपिक दिया गया है। इसके अंतर्गत नया पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी, जो कि 6 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेंगी। इसमें जो विजेता होंगे वो ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, जो कि 13 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा, और उसके बाद जनपद स्तर पर 24, 25, 26 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि न सिर्फ जो युवा खेल प्रतिभागी हैं उन्हें मौका दिया जाए, बल्कि अनेक रचनात्मक गतिविधियों से, जिसमें इस अभियान का थीम सॉन्ग लिखना, पेंटिंग करना, वॉल राइटिंग करना, इसको भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग इसमें बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी कायम कर सकें। इसके जरिए जो हमारी सरकारी मिशनरी है वो भी सक्रिय होगी, और न सिर्फ सरकारी मिशनरी बल्कि ग्राम प्रधान और ग्राम स्तर के जो हमारे वर्कर्स हैं, लेखपाल, आंगनवाड़ी, आशा, उनकी भी भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ताकि स्वच्छ भारत अभियान को एक मुहिम के तौर पर हम लोग अपने जनपद में लागू कर सकें। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा और युवाओं में छुपी खेल प्रतिभा को उजागर करना है। खेल प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 6 जनवरी से किया जाना है। मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।